बदहान की नंदा भगवती की उत्सव डोली 6 माह के अपने देवराड़ा स्थित सिद्धपीठ प्रवास के बाद सिद्धपीठ कुरूर नंद नगर रवाना होने के लिए गर्भगृह से बाहर निकल गई है। पौष माह की सप्तमी के देर साय उत्सव डोली काली शक्तिपीठ तुंगेश्वर पहुंची। इससे पूर्व सुबह नंदा के पुजारियों द्वारा नंदा मंदिर देवराड़ा में गर्भगृह से निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुजारियों द्वारा मां नंदा की मूर्ति को सजाया सवारने का कार्य किया गया और 10 बजे मां नंदा की डोली गर्भगृह से निकली तो सारा मंदिर प्रांगण नंदामय हो गया। इस मौके पर कुरूर मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश गौड़, पंडित मनसाराम गौड़, योगेश्वर गौड़, कालिका प्रसाद गौड़, दिनेश गौड़ उपस्थित थे। वहीं डोली को मंदिर परिसर में कुछ घंटों तक भक्तों की पूजा अर्चना एवं दर्शनों के लिए रखा गया। जब तक डोली विदा नहीं हुई तब तक क्षेत्र के नंदा भक्त देवी के भजन कीर्तन गाते रहे। इसके बाद देर साय करीब 4 बजे सिद्धपीठ कुरूर के लिए रवाना के तहत देवराड़ा से आगे बढ़ी और इस दरमियान कई महिलाएं युवतियों की आंखें डोली विदाई के दौरान छलकती रही। इस मौके पर देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन हटवाल एवं लोल्टी तुंगेश्वर व्यापार संघ अध्यक्ष धनराज रावत ने बताया कि आज सायं डोली काली मंदिर तुंगेश्वर पहुँच करके विराजमान होंगी, जहां पर 14 वर्षों के बाद आयोजित हो रहे मां काली के विशेष अनुष्ठान 64 मेले के आयोजन के चलते नंदा डोला यहीं पर विराजमान हो जाएगा। आज गुरुवार की रात यहां पर कालरात्रि का पूजन किया जाता है और कल 30 दिसंबर को यहां पर 64 मेले का भी आयोजन होता है। 31 दिसंबर को नवमी की पूजा के बाद अनुष्ठान का समापन हो जाएगा और मां नंदा की डोली कुरूर के लिए रवाना हो जाएगी।